ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। अगर किसी देश के अंदर जासूस उस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब जगह पर सेंध लगा दें तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। आज की कहानी अपने देश के उस जासूसी कांड की कहानी है जो जब सामने आई, जिसका खुलासा हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस जासूसी कांड के खुलासे के बाद बड़े बड़े लोग कानून के चंगल में आए। क्या पीएमओ, क्या प्रेसिडेंट हाउस, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग, और हर एक कोई एक तरह से सन्न था कि ऐसा हो कैसे सकता है। बात 1984 की है, 1984 हम सभी जानते हैं, देश में उथल पुथल, अक्टूबर का महीना, जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दंगे भड़के दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये कहानी इंदिरा गांधी के कत्ल से नहीं जुड़ी है, बल्कि उससे पहले की है। 1984 की शुरुआती महीने में भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में एक मीटिंग थी। इसमें दोनों देशों के बड़े टॉप जो ऑफिशियल्स हैं वो हिस्सा ले रहे थे। जब मीटिंग शुरू हुई तो भारत का श्रीलंका को लेकर जो भी स्टैंड, जो भी प्लानिंग, जो भी बातें थी वो रख रहे थे। अचानक एक श्रीलंकाई ऑफिशियल्स ने उस मीटिंग में कुछ पेपर निकाले और जो भारतीय नुमाइंदे थे उनके सामने रख दिया। उसने कहा, आप कहते तो कुछ हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन श्रीलंका के बारे में जो आपकी राय है, सोच है, वहाँ की प्लानिंग को लेकर, वो बिल्कुल अलग है। अब जो भारतीय नुमाइंदा यह सुनकर हैरान कि ये क्या कह रहे हैं। फिर श्रीलंकाई ऑफिशियल ने जब पेपर सामने रखा तो वो देखकर होश उड़ गए। वो पेपर दरअसल में रॉ की एक रिपोर्ट थी अपनी खुफिया एजेंसी की, और उस रिपोर्ट में श्रीलंका को लेकर तमाम बातें कही गई थी। और रॉ के ऑफिशियल्स ने, रॉ के टॉप बॉसेस ने, वो जो लेटर था वो बातें किसी और से नहीं की थी बल्कि अपने देश के पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, उनके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो चीज़ें श्रीलंका के बारे में यहाँ पे टॉप सीक्रेट लिखी गई, वो श्रीलंका का ऑफिशियल जो नई दिल्ली में मीटिंग करने आया वो भारतीय नुमाइंदे के सामने रखकर कहता है कि आप बोलते कुछ है पर आपकी तो अंदर अंदर कुछ और चल रही है। सोचिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी। बाद में रॉ के ऑफिशियल्स हैरान रह गए कि ये पेपर इतना टॉप सीक्रेट, ये बाहर कैसे आया, श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के हाथ में कैसे है। तो जब जांच की गई पता चला कि उसकी सिर्फ 3 कॉपी थी जो रॉ ने बनाई थी, उनमें से 2 कॉपी खुद रॉ के टॉप बॉस और नेक्स्ट टू टॉप बॉस उनके पास थी, और जो तीसरी कॉपी थी वो पीएमओ को भेजी गई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब रॉ के 2 बॉस ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं कि हमारे यहाँ से लीक हो, तो फिर क्या पीएमओ से लीक हुई? शक वहीं गया। अब ये हुआ कि तफ्तीश करो, लेकिन इत्तफाक से ये तफ्तीश होती तब तक इंदिरा गांधी की मौत हो गई। फिर उसके बाद चुनाव वुनाव का मौसम आ गया, कहा गया कि भाई इसको अभी ठंडे बस्ते में डालो, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ये धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। अब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे, सत्ता में आ चुके थे, और एक बार देश फिर आगे बढ़ रहा था। पर इसी दौरान एक दूसरी कहानी होती है। क्रॉट प्लेस में एक कॉपी, फोटो कॉपी का जो शॉप होता है, फोटो स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं कई बार, तो वह एक शॉप है क्रॉट प्लेस में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, बेसमेंट में। ये फोटोकॉपी का जो शॉप है, इसके ओनर का नाम था उस वक्त जो वहाँ पे थे, वो सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा का ये फोटोकॉपी शॉप जहाँ पे लोग आते अपनी फ़ोटो कॉपी कराते और चले जाते। सुभाष शर्मा से दोस्ती थी एक और शख्स की, और उनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा। वेद प्रकाश शर्मा असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के एक अफसर थे, खुफिया अधिकारी। तो वेद प्रकाश की सुभाष शर्मा से दोस्ती थी, तो वो अक्सर शाम के वक्त IB के लोग जो काम करते हैं वो इधर उधर भटकते हैं जहाँ से भी खबरें मिल जाए। लेकिन वो शाम को कभी कभी अपने दोस्त सुभाष शर्मा के क्रॉट प्लेस के इस फोटोशॉप पर, फोटोकॉपी शॉप पर पहुँच जाते हैं।
और वहाँ बैठकर गप्पे मारते, उसके बाद चले जाते। ऐसे ही एक रोज़, ये बात है 84 के अंत की, नवंबर दिसंबर का महीना है 1984, वो अपने सुभाष शर्मा के इस फोटो स्टेट कॉपी जो है शॉप, वहाँ बैठे हुए थे। अच्छी खासी रोशनी थी, अचानक उन्होंने देखा सामने प्रिंटर लगा हुआ था, फोटो कॉपी हो रही थी। तभी कुछ फोटो कॉपी जब निकलती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से निकलती है, वो ऐसे बैठे हुए थे कि सामने वो फोटो मशीन, कॉपी मशीन रखी हुई थी और उसमें से प्रिंट आउट निकल रहा था। तभी वेद प्रकाश शर्मा की नज़र एक दो कागज़ पर पड़ती है, उस कागज़ को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ कैसे। अब उस पर टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही रिपोर्ट, जिस डिपार्टमेंट में खुद वेद प्रकाश शर्मा काम कर रहे हैं। अब वो देख कर सन, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी बाहर किसी फोटो कॉपी शॉप पे प्रिंट आउट कोई निकाल ही नहीं सकता, ना कॉपी कर सकता, ये सब सीक्रेट होता है, दफ्तर के अंदर ही आपके मशीन है, वहीं से आप निकालिए कॉपी। उन्हें बड़ी हैरानी होती है। फिर वो देखते हैं एक शख्स से लेकर चला गया, उन्हें लगा कि शायद कुछ होगा, छोड़ो, लेकिन दिमाग में था क्योंकि आई बी के अफसर थे। उसके बाद वो नेक्स्ट पहुँचे फिर कि शायद कोई ऐसी चीज़ दिखे, लेकिन नहीं मिला, लेकिन वो आते रहे। अच्छा, चूँकि पहले आते थे उनके दोस्त को भी कुछ शक नहीं और अपने दोस्त को उन्होंने बताया भी नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उनकी नज़र फिर पड़ी, फोटोकॉपी से प्रिंट आउट निकल रहा है और वो देख रहे हैं कि ये एकदम डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसकी कुछ चीज़ें हैं। अब उन्हें लगा कि ये गड़बड़ है, क्योंकि जो चीज़ें मंत्रालय के बाहर नहीं आनी चाहिए वो एक प्राइवेट फोटो कॉपी शॉप में प्रिंट आउट निकल रहा है। फिर उन्होंने उस जो बंदा आता था, एक प्यून था, उसको देखना शुरू किया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया रिएक्ट, कई दिन लगे रहे। फिर एक रोज़ वो आया, उसने कई सारे प्रिंट आउट निकाले। उस रोज़ वेद प्रकाश शर्मा ने एक कॉपी चुपचाप से चुरा कर अपनी जेब में रख ली और वो फोटो कॉपी लेकर चला गया। उसके जाने के बाद जब उन्होंने वो प्रिंट आउट पढ़ा तो हैरान रह गए। वो पीएमओ से आया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ का एक गोपनीय दस्तावेज और उसकी कॉपी वहाँ हो रही थी। अब उन्हें लगा मामला गड़बड़ है, वो फ़ौरन अपने दफ्तर में अपने बॉस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि कनॉट प्लेस में एक फ़ोटो कॉपी शॉप है और वहाँ इस तरीके से गोपनीय दस्तावेज उसके प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं, फ़ोटो कॉपी हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सबूत पुख्ता होना चाहिए, तो तुम नज़र रखो। अब उन्होंने नज़र रखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब वहाँ बैठने लगे तो एक रोज़ देखा जो प्रिंट आउट लेकर आता था और लेकर जाता था, उन्होंने आईबी के कुछ लोगों को लगा दिया सादी वर्दी में, वो फॉलो करता। जब फॉलो करना शुरू किया तो फिर पता चला कि वो वहीं कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग है हेली रोड पर, और उसी जगह पर एक दफ्तर है और उस दफ्तर के अंदर वो बंदा वो प्रिंट आउट लेकर जाता है। जब उन्होंने पता किया कि ये दफ्तर किसका है तो पता चला कि ये दफ्तर एक इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जो है उसका यह दफ्तर है। अब उस दफ्तर से इस फोटोशॉप या फिर इस जो खुफिया दस्तावेज है उसका क्या लेना देना, लेकिन यह पता चल गया कि ये कॉपी यहां से निकलती है और इस बिल्डिंग तक जाती है। अब जब यह पता चल गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दिया, फिर भी उसके ऊपर निगरानी रखते गए। फिर एक रोज़ 17 जनवरी की बात है, 1985, रात के वक्त एक शख्स आता है, उसी फोटोकॉपी से कुछ शूट करता है, मतलब कॉपी निकालता है और उसके बाद वो लेकर चला जाता है। आईबी वाले उसका पीछा करते हैं, वो उस बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग में जाने के बाद अंदर ही है वेद प्रकाश शर्मा को खबर मिलती है। वो अपनी टीम को तैयार करते हैं और अचानक रात के करीब 11 बजे उस बिल्डिंग पे दरवाज़े पे दस्तक देते हैं। दरवाज़ा खुलता है, जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने दो लोग बैठे हुए टेबल पर शराब पी रहे हैं और उसी टेबल पर एक ब्रीफकेस खुला है और उस ब्रीफकेस के अंदर के सारे कागजात टेबल पर फैले हुए हैं। उनमें से एक पेपर को जब वेद प्रकाश शर्मा जी ने उठाया और देखा तो दंग रह गए। उस रोज़ एक कैबिनेट की मीटिंग थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिस वक्त ये उस जगह पे पहुंचे रात के करीब 11 बज रहे थे। ये मीटिंग करीब 9:30 बजे ख़त्म हुई थी।
डेढ़ घंटे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के जो नोट्स थे उसका प्रिंट आउट उस शराब के टेबल पर पड़ा हुआ था। सिर्फ डेढ़ घंटे के अंदर एक कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में क्या कुछ कहा गया, क्या फैसले लिया गया, उसके जो नोट्स बने थे, उस नोट्स की कॉपी कनॉट प्लेस के एक कारोबारी के ऑफिस में एक बिल्डिंग के अंदर टेबल पर है। वेद प्रकाश शर्मा दंग, उन्होंने सारे कागजात समेटे, टेबल पर दो लोग बैठे हुए थे, उन दोनों से कहा आप कहीं नहीं जाएंगे। पूरी रात उस दफ्तर की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद सुबह तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई और इसके बाद एक एक कर अब छापा पड़ना शुरू हुआ। इस छापे के दौरान अलग अलग उस वक्त करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन खबर यहाँ तक नहीं थी और ये अब तक की खबर दबाई नहीं थी। लेकिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को इसके बारे में पता चला, उसने एक रिपोर्ट छाप दी। इन 12 लोगों के अलावा 3 देशों के एम्बेसडर और 3 देशों पर भी इस जासूसी में शामिल होने के इल्ज़ाम लगे। इनमें एक था फ्रांस, एक था चेकोस्लोवाकिया और एक था उस वक्त ईस्ट जर्मनी, तब तक जर्मनी के दो हिस्से हुआ करते थे, बाद में एक हो गए। आनन फानन में इन तीनों देशों के जो एम्बेसडर थे नई दिल्ली में, उन्हें कहा गया कि आप देश छोड़ दीजिए, पहली फ्लाइट लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। इसके बाद यहाँ के स्टाफ को कहा गया कि आप कम कीजिए। अब इन 3 देशों के खिलाफ रिश्तों में अचानक कड़वाहट आ गई, लेकिन वो रिश्तों की कड़वाहट अलग थी, जो असली खबर इस जासूसी की थी अभी तो वो सामने आना बाकी था। जो दो लोग रात को बैठकर शराब पी रहे थे, उन दोनों को जब IB की टीम ने उठाया, सुबह तक तलाशी ली, ढेरों कागजात मिले, फिर इन दोनों को बाकायदा रेड फोर्ट लाल किला ले गए। लाल किला में इनसे लंबी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिर पूरी कहानी सामने आई, एक ऐसी कहानी जिसने उस वक्त देश को एक तरह से हिला के रख दिया था, क्योंकि ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी राज नहीं था जो इन जासूसों के हत्थे नहीं चढ़ा था। यहाँ तक कि इन जासूसों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तक की नौबत आ गई थी। तो क्या थी पूरी कहानी और कैसे हुई थी यह जासूसी, अब वही कहानी आपके सामने पेश। केरल में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था कुमार नारायण। कुमार नारायण केरल में पैदा हुआ, तब देश आज़ाद हुआ नहीं था, उसने आर्मी ज्वाइन किया, अंग्रेज़ों के अंदर में वो काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद कुमार नारायण की भी ज़िंदगी बदली, वो अब दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसे डिफेंस मिनिस्ट्री में नौकरी लगी, एक स्टेनोग्राफर की, एक टाइपिस्ट की। फिर वहाँ से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री गया, फिर अलग अलग मंत्रालय में काम किया। ये जो स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट होते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में इनका जो पद होता है वो बेशक नीचे होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन याद रखिएगा ये वो दौर था जब ये ईमेल और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया में भी आने वाली थी, बल्कि ये तो उससे पहले की भी बात है। तो हर काम, कोई मीटिंग भी हो रही है, नोट्स भी हो रहा है, तो सब टाइपिंग हुआ करती थी टाइपराइटर पे। तो एक स्टेनोग्राफर या एक टाइपिस्ट ये समझ लीजिए कि अगर आपके भरोसे का नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं और वो जो टाइप कर रहा है और जो लिख रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो बेशक टॉप सीक्रेट हो, वो फिर टॉप सीक्रेट नहीं रहते। और कुमार नारायण को अपनी इस काबिलियत का पता था। आर्मी के बाद जब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब जगहों पर काम किया बतौर एक एस्ट्रोनोग्राफर, बल्कि टाइपिस्ट के तौर पर, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो चीज़ें टाइप कर रहा है, जो राज अगर जमाने के सामने आए तो पता नहीं क्या। वहीं से उसके मन में लालच आना शुरू हुआ। इतने वक्त तक उसने नौकरी की तो तमाम मंत्रालय में उसकी दोस्ती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में हो, चाहे PMO में हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, हर जगह उसकी दोस्ती थी उसी ओहदे के लोगों से और ख़ास तौर पर उन्हीं सारे टाइपिस्ट से, और उन सब के पास जानकारी होती थी, पेपर भी होते थे। तो नौकरी करते करते 1959 में अचानक कुमार नारायण ने कहा कि अब हम नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इस नौकरी में इतना कुछ रहा नहीं, अब कुछ और काम करते हैं। तब तक वो सारी चीज़ें समझ चुका था। इसी के बाद उसने एक मुंबई में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी SLM मानिकलाल, इसको ज्वाइन कर लिया और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदली।
अब वो अपने पुराने सोर्सेस, पुराने रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करता। दिल्ली में दफ्तर था उसकी, तैनाती दिल्ली में हुई। अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट हाउस के अपने उन दोस्तों को बुलाता, महंगी शराब पिलाता, महंगे महंगे शॉप से उनकी शॉपिंग कराता, जो भी कोई फेस्टिवल आता मिठाइयों के महंगे महंगे अच्छी मिठाई उनको गिफ्ट भेजता। और बैठ कर जब ये महफिल जमती तो धीरे धीरे वो लोग भी कुछ कुछ राज बताते जाते। पहले राज मुंह से बताते, फिर धीरे धीरे बात कागज़ों पर आई। अब वो कागज़ ला कर देने लगे। वो कागज़ लेकर आते, ये महफिल शराब की जमती, कुमार नारायण चुपके से अपने एक शख्स को पेपर देता और कहता जाओ बराबर में हेली रोड रॉक्सी पी बराबर में, वहाँ से फोटोकॉपी करा कर ले आओ। वो फोटोकॉपी कराते हुए लाता ओरिजिनल पेपर वापस, फोटोकॉपी इनके पास, वो चले जाते और ये सिलसिला चलता रहा 59 से 85 तक, मतलब करीब करीब 25 साल। और फिर ये इन सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग देशों के जासूस को भेजता। उनमें से एक फ्रांस थी, उस वक्त फ्रांस के साथ हमारे मिराज और बाकी सारी चीज़ें खरीदनी थी, तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट भेजता जो फ्रांस की जो जासूसी कंपनी थी वो उसका फ़ायदा उठाती कि इनका डिफेंस बजट कितना है, ये क्या खरीदने जा रहे हैं, किस देश से खरीदने जा रहे हैं। तो पहले जानकारी होती तो उसी हिसाब से वो अपनी जो बोली है वो उस रेट के हिसाब से भी लगा देते। यहाँ तक कि जो आईबी की रिपोर्ट होती देश के अंदर असम कश्मीर में क्या करने जा रहे हैं वो भी पेपर इनके पास आ जाता, श्रीलंका में क्या करने जा रहे हैं वो भी खबर आ जाती, मतलब आईबी रॉ से लेके पीएमओ तक की हर खबर इनके पास आ जाती। और ये जो इंडिया में फ्रेंच उस वक्त एम्बेसडर थे फ्रांस के, उनको ये पता था। और कुमार नारायण उनका सबसे बड़ा एक तरह से क्लाइंट था। इसी तरीके से पोलैंड को पता चला तो पोलैंड ने पेपर खरीदने शुरू किए, ईस्ट जर्मनी को पता चला उसने खरीदने शुरू किए, यहाँ तक कि रशिया भी बीच में आया। तो अब सारे देशों के लोगों को हमारे देश के राज बिक रहे हैं। एक बार ऐसे ही एक ऐसा पेपर आ गया जब पाकिस्तान परमाणु बम परीक्षण करने जा रहा था पहली बार, तो ये हुआ कि भारत का स्टैंड था कि इसको रोकना है किसी तरह से, वो परमाणु संपन्न देश न बने, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाए, ये पूरी एक गोपनीय मीटिंग हुई हमारी खुफिया एजेंसियों की। और वो पेपर लीक इसी कुमार नारायण के हाथों होते हुए फ्रांस और बाकी देशों से यूएस तक पहुंच गया। यूएस के एक न्यूज़पेपर ने वो खबर छाप दी। यूएस के में ही उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्हें ये पता चला कि न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए इंडिया क्या करने जा रहा है। फिर पाकिस्तान ने रुख बदला, उसने धमकी दी कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर जहाँ पर हमारा टेस्ट होना है वहाँ पर कोई अटैक किया तो हम बदले में मुंबई पर अटैक करेंगे और हज़ारों लोग मारे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम खुद दंग थे कि कैसे पता चल रहा है। तो भेदिया घर में था। तो इसी तरीके से ये बेचता रहा और सरकारी जो मुलाजिम थे वो काम करते रहे। सरकारी मुलाजिम काम करें तब तक तो ठीक है। राजीव गांधी के उस वक्त जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पर्सनल, पीसी अलेक्जेंडर, बड़ा नाम था उनका, मतलब सभी जानते हैं हम लोग पीसी अलेक्जेंडर। तो पीसी अलेक्जेंडर उस वक्त राजीव गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इसका मतलब यह है कि इस देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं, पीसी अलेक्जेंडर को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल साथ हैं और उनके मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि राजदार हैं। इन्हीं पीसी अलेक्जेंडर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर के हो गया, पीसी अलेक्जेंडर साहब के भी प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनका नाम था एनटी खेर, ये कश्मीर के रहने वाले थे। इसके अलावा एक और उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे के मल्होत्रा और एक चपरासी था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तीन ऐसे नाम थे जो बड़े टॉप पे, कि पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर के अपने निजी स्टाफ तीन, ये लोग कुमार नारायण के क्लाइंट थे। पीएम हाउस में या पीएमओ में जो कुछ होता वो पेपर से लेके सारी चीज़ें इनको रिपोर्ट कर देते और वो दे देते। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइज़र थे तरलोचन सिंह जी। तरलोचन सिंह के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनका नाम था एस शंकरन। एस शंकरन भी एक क्लाइंट था कुमार नारायण। और एस शंकरन तो 20 साल तक प्रेसिडेंट स्टेट में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में रहे, प्रेसिडेंट हाउस में मुलाजिम रहे,
और 20 साल तक और 25 साल ये जासूसी चली, सोचिए आप 20 साल तक वो शख्स जासूस की मदद करता रहा और वो सारे राज देता रहा। तो प्रेसिडेंट हाउस, पीएमओ, इन सारी जगहों पर इनके लोग थे। अब विदेशी दूतावास को जानकारी कैसे देते थे? जैसे फ्रेंच के जो एम्बेसडर थे उनका ये था कि दिल्ली में कहीं टहलना, मॉर्निंग वॉक बहुत करते हैं जितने भी एम्बेसडर हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जानते होंगे खास खास जगह है। तो फ्रेंच एम्बेसडर जो थे उनका बॉली नाम है, उनको कुतुब मीनार घूमने का बड़ा शौक था, वहाँ जाकर वॉक भी करने का, तो अक्सर कुतुब मीनार जाते और वहीं पर कुमार नारायण उनको टहलते हुए मिलता और फिर पेपर या सूचनाओं का आदान प्रदान होता। तो अलग अलग तरीके से ये लोग ये सारी खुफिया जानकारी एक दूसरे को देते रहते और 25 साल तक ये चीज़ें चलती रही। क्या क्या जानकारी इस दौरान में पिछले 25 सालों में 1960 से 85 तक कुमार नारायणन ने मतलब तीन देश और बाकी पता नहीं कितने लोगों को दिया, उसकी जब एक छानबीन हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लिस्ट निकली, पेपर मिले, तो पता चला कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया के, हमारी जो मिलिट्री है कहाँ पे क्या पोस्टिंग तैनाती है, हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हम फ्यूचर में या अभी करने जा रहे हैं, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है, डिफेंस प्लानिंग हमारे फ्यूचर की क्या है, किससे क्या हमें हथियार खरीदने हैं, किससे कौन से जंगी जहाज़ खरीदने हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट की पूरी किस किस देश से क्या कितने पैसे में खरीदना है, कौन सस्ता देगा, इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी किस देश के साथ आगे हमें कैसे रिश्ता बना के रखना है, रॉ की सारी रिपोर्ट के पेपर, आईबी के सारे रिपोर्ट के पेपर, ये सारी चीज़ें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी, मतलब कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो 25 साल में कुमार नारायण ने भेजा दी। इसके बाद जब ये सारा खुला, इन्वेस्टिगेशन हुई 17 साल तक, अब आप यहाँ पे भी देखिए, फिर वही कोर्ट की हम बात करते हैं, 17 साल तक कोर्ट में मुकदमा चला, 85 में अरेस्टिंग हुई थी उसका 17 साल, 2002 में पहली बार दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में 13 लोगों को सज़ा सुनाई गई। जो मानेकलाल कंपनी के मालिक थे योगेश, उनको 14 साल की सज़ा हुई। उसकी वजह ये थी कि जो ये सारे राज चुराए थे कुमार नारायण ने यूरोप में और बाकी जगहों पर, इस कंपनी को बहुत सारे ठेके मिले इसी राज के बदले में, तो इस जासूसी कांड के एक किरदार वो भी थे, तो उनको 14 ईयर्स कैद की सज़ा मिली 2002 में। इसके अलावा कुल 12 सरकारी अफसर, कई रिटायर हो गए थे, कई सर्विस में थे, 100 मौजूदा मिलाकर 12 गवर्नमेंट एम्प्लाई जो इस जासूसी कांड में शामिल थे उनको 12-12 साल की कैद की सज़ा हुई। और इन 12 लोगों में 4 थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले लोग, 4। इसके अलावा 4 थे जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तो ये 12 सरकारी अफसर थे। सभी को सजा मिली, लेकिन इस जासूसी का जो किंग पिन, जो मास्टरमाइंड था कुमार नारायण, उसको सजा नहीं सुनाई जा सकी। उसकी वजह ये थी कि 2002 में ये फैसला आया और 2000 मार्च के महीने में कुमार नारायण अपनी मौत खुद मर गया, उसकी बीमारी से मौत हो गई। तो इन लोगों को 17 साल बाद सजा हुई। लेकिन जब जनवरी 1985 में ये राज खुला और फिर ये नाम सामने आया कि पीएमओ के इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं और वो सब प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र पीसी अलेक्जेंडर उनके निजी सचिव हैं, तो इस बात का इतना दुख पहुंचा कि पीसी अलेक्जेंडर नेक्स्ट डे ही सीधे प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचे, राजीव गांधी से मुलाकात की और कहा कि मैं इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि ये मेरे स्टाफ की वजह से इतना बड़ा जासूसी स्कैंडल हुआ, इतने सारे राज बिके, और इसलिए मैं रिज़ाइन करता हूं। और पीसी अलेक्जेंडर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तो इसी जासूसी कांड ने कई फ्रंट पर एक तरह से नुकसान पहुंचाया। आज भी इस जासूसी कांड को लोग वैसे ही याद करते हैं, लेकिन इस पूरे जासूसी कांड की कहानी की सबसे दिलचस्प पहलू यही था कि एक अजीब इत्तेफाक, सिर्फ अगर उस दिन वेद प्रकाश शर्मा या उनके दोस्त का वो फोटो
कॉपी शॉप न होता और वो प्रिंटर से निकल रही है वो एक पेपर पे नज़र न पड़ती जो गोपनीय दस्तावेज थी, मालूम नहीं इसका खुलासा हो भी पाता कि नहीं, लेकिन हुआ। पर इससे देश को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि हमें बहुत सारे समझौते भी करने पड़े। हालांकि बाद में फिर फ्रांस के साथ, पोलैंड के साथ और जर्मनी तो खैर एक ही हो गया, रिश्ते ठीक हुए। और इसकी वजह यह थी कि फिर फॉरेन पॉलिसी में कहा गया कि अब इन चीज़ों से आगे बढ़ना है। तो ये थी उस जासूसी कांड की कहानी जिसमें एक साथ PMO, प्रेसिडेंट हाउस, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके तमाम लोग इन्वॉल्व थे। और ख़ास बात ये थी कि इसके बाद ही पहली बार एहसास हुआ कि जो स्टेनोग्राफर होते हैं, जो टाइपिस्ट, बेशक इनका पद और कद कम होता है पर इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं, जो आप डिक्टेट कर रहे हैं और जो वो टाइप कर रहे हैं, वो कितना गोपनीय है कितना नहीं है, वो हर चीज़ उनकी उंगलियों के साथ साथ उनके जहन में भी छप रहा है, तो राज बाहर आ सकता है। ये इस कहानी से एक सबक मिलता है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज गुरजंत सिंह, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरजंत सिंह जी। और ये सुमेल सिंह जी के पिताजी हैं, गुरजंत सिंह जी भटिंडा से। साथ ही पूजा ग्रोग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये अनु राय एंड खरखराज ग्रोग, इन दोनों की बेटियां हैं, हांगकांग से हैं। निखिल डेंगरे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निखिल। और ये प्रीति डेंगरे जी के पति हैं और ग्वालियर से हैं। रुबीना खान का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रुबीना। और ये सलमान शेख की वाइफ हैं। साथ ही इंद्रजीत प्रधान का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इंद्रजीत। और ये गौरव प्रधान के बेटे हैं। नरेंद्र कुमार शर्मा, नरेंद्र जी आपका मेल मुझे मिला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो भी आपकी बेटी के साथ हुआ। और मैंने रिपोर्टर से बात की, इसको पूरी इन्वेस्टिगेट करूँगा और जो भी इसमें मैं मदद करूँगा, कर पाऊँगा, वादा है आपसे ज़रूर करूँगा। डॉक्टर कुरप्रीत सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा डॉक्टर आनंद USA से, थैंक यू सो मच आनंद साहब, आपने मेरी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के बारे में जो मुझे रास्ता दिखाया उसके लिए शुक्रिया। बस ऐसे ही चाहता हूँ, आप लोग बताते रहें। तो कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।